स्टूडेंट्स, आज 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिनमें सब में डिटरमिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर वन, डिटरमिनेंट दिया है 2 4 -5 -1। ध्यान रखें ये सिंगल लाइन जो डिटरमिनेंट का सिंबल है, डिटरमिनेंट किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है, मैट्रिक्स इस तरह के सिंबल में रखा जाता है। अगर ये सिंगल लाइन है उसके डिटरमिनेंट की बात की जाती है। देखिए डिटरमिनेंट में हमने जो 2y2 का बताया था वो क्या है, 2 × -1 और -5 × 4, तो आगे हो जाएगा -2 और प्रोडक्ट प्लस में ये हो जाएगा 20 = 18। ये सिंपली 2 by 2 का डिटरमिनेंट निकाल आया। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट है डिटरमिनेंट cos थीटा sin थीटा -sin थीटा एंड cos थीटा, ये भी 2 by 2 का डिटरमिनेंट है। तो दिस इनटू दिस cos थीटा इनटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा और -sin थीटा × sin थीटा, ये -sin थीटा -sin² थीटा एंड दिस विल बी cos² थीटा +sin² थीटा एंड व्हिच इज 1। ये डिटरमिनेंट 1 हुआ। 2 का ही मैं सेकंड देख लेता हूं। 2 के सेकंड में है x² - ax + 1 ax - 1 ax+1 सेकंड रो ax+1। अब इसको सॉल्व करें तो क्रॉसवाइज मल्टीप्लीकेशन ये होता है x+1 × x² - ax + 1 और -this ax+1 × ax - 1। अगर आप आइडेंटिटी यूज करें a³ + b³ की, a+b (a²) - ab+b², तो ये x³ - 1³ है, एक्सपांड भी कर सकते हैं, वहां से भी आ जाएगा। ये x³ + 1³ है और इस ब्रैकेट में x+1 x - 1 वो हो जाएगा x²-1। ब्रैकेट ओपन कर दें इनका, x³ (1³) - ax² + 1। तो ये डिटरमिनेंट आपका यहाँ से इवैल्यूएट हो गया x³ - ax² + 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ a = एक मैट्रिक्स दिया है 2 by 2 का, a = 1 2 4 2, then we have to show that twice of determinant A = 4 times determinant A। तो एक मैट्रिक्स होगा उसका डिटरमिनेंट कितना होगा, 4 × determinant A के। तो पहले चलिए 2A निकाल लेते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको पता है क्या होगा, A के सारे एलिमेंट में 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 8 4, ये 2A मैट्रिक्स हो गया। अब 2A डिटरमिनेंट निकालना है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको निकाल लेना है और साथ में काम और कर ले, डिटरमिनेंट A भी निकाल ले, फिर 2A का डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट A हो जाएगा 1 2 = 2 -4 × 2, तो ये 2 - 8 = -6। अब हम डिटरमिनेंट 2A निकालते हैं, 2 × 4 ये आपके पास था, 2 × 4 - 8 × 4 ये हो जाएगा 8 - 32, ये -24। इसको अगर आप लिखना चाहें तो 4 × -6 एंड -6 इज डिटरमिनेंट है, 4 × determinant A, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ 2A मैट्रिक्स = 4 times determinant A has verified। क्वेश्चन 5 में कुछ 3 by 3 मैट्रिक्स दिए हैं और उनको इवैल्यूएट करना है। तो क्वेश्चन नंबर
फोर में नहीं कर रहा हूं, उसको आप करिए। क्वेश्चन नंबर फाइव का मैं फर्स्ट देखता हूं, थ्री माइनस वन माइनस टू, थ्री माइनस वन माइनस टू, जीरो जीरो माइनस वन, और थर्ड रो है थ्री माइनस फाइव जीरो। इसको इवेलुएट करने के लिए वैसे हमने कहा था किसी भी रो के लॉन्ग या किसी भी कॉलम के लॉन्ग आप इवेलुएट कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं आदत डालता हूं फर्स्ट रो के लॉन्ग इवेलुएट करने का। पहला वाला प्लस साइन से, दूसरा माइनस से, तीसरा प्लस से। चलिए देखता हूं क्या होगा। थ्री पहले कॉमन ले लिया आपने, तो ये टू बाई टू मैट्रिक्स, जीरो माइनस वन एंड माइनस फाइव जीरो। फिर माइनस साइन के साथ ये एलिमेंट कॉमन ले लिया सेकंड, माइनस ऑफ माइनस वन, तो जो डिटरमिनेंट आया जीरो माइनस वन थ्री जीरो। फिर प्लस साइन के साथ ये सेकंड थर्ड एलिमेंट कॉमन ले लिया इस रो का माइनस टू, और एक टू बाई टू का मैट्रिक्स, ये कॉलम और ये रो हटाने पर जीरो जीरो थ्री माइनस फाइव। अब ये टू बाई टू डिटरमिनेंट इवेल्युएट कर लेते हैं, तो जीरो जीरो या जीरो, अब माइनस फाइव और वन का माइनस फाइव और माइनस वन का प्रोडक्ट फाइव होगा, माइनस फाइव ये प्लस में ऑलरेडी हो जाएगा जीरो, माइनस माइनस थ्री, थ्री इंटू दिस, तो मैं प्लस थ्री कर लेता हूं, प्लस ये माइनस में आ जाएगा टू, और ये डिटरमिनेंट जीरो फाइव या जीरो, जीरो माइनस जीरो, तो ये हो जाएगा थ्री इंटू माइनस फाइव प्लस वन इंटू थ्री। अब वो टर्म ही जीरो हो जाएगा, छोड़ दीजिए उसको, तो अब ये बचेगा आपका माइनस फिफ्टीन प्लस थ्री आ जाएगा माइनस ट्वेल्व, तो माइनस ट्वेल्व इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा। एक और थ्री बाई थ्री का डिटरमिनेंट देख लेता हूं, तो क्वेश्चन नंबर फाइव का सेकंड, सेकंड में डिटरमिनेंट एक दिया है थ्री माइनस फोर फाइव, वन वन माइनस टू, टू थ्री वन। पहली रो के लॉन्ग ही मैं एक्सपांड करता हूं, थ्री कॉमन, ये टू बाई टू का मैट्रिक्स, ये और ये रो हटी, वन माइनस टू थ्री वन। फिर माइनस साइन के साथ ये एलिमेंट कॉमन, माइनस फोर, टू बाई टू का मैट्रिक्स, ये रो और ये कॉलम हटाने पर वन माइनस टू टू वन। फिर प्लस साइन के साथ फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट कॉमन फाइव, और ये रो और कॉलम और ये रो हटाने पर ये वन वन टू थ्री, और ये टू बाई टू के मैट्रिसेस डिटरमिनेंट हम सॉल्व कर लेंगे, वन वन या वन माइनस माइनस सिक्स प्लस सिक्स कर लेता हूं, ये प्लस फोर हो गया, वन वन या वन माइनस माइनस फोर, यहां भी प्लस फोर कर लेता हूं, प्लस फाइव इंटू वन थ्री या थ्री माइनस टू, ये थ्री इंटू सेवन होगा, प्लस फोर इंटू फाइव होगा, अब प्लस फाइव इंटू वन, थ्री सेवन या ट्वेंटी वन ट्वेंटी, अब प्लस फाइव, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, सिक्स टू टू फोर फोर्टी सिक्स आ गया डिटर्मिनेंट। इसी तरह क्वेश्चन सिक्स था आपको करना है, मैं क्वेश्चन सेवन में आ जाता हूं। क्वेश्चन सेवन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इफ डिटरमिनेंट टू फोर फाइव वन टू फोर फाइव वन इज इक्वल टू डिटरमिनेंट टू एक्स फोर सिक्स एक्स। दोनों तरफ का डिटरमिनेंट की वैल्यू ऐड करिए, टू वन जा टू माइनस फाइव फोर जा ट्वेंटी, यहां टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स फोर या ट्वेंटी फोर, सीधा लिख लीजिए एक्स वाला टर्म लेफ्ट में लिख लीजिए, टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर, और ये हो जाएगा माइनस एटीन, टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एटीन प्लस ट्वेंटी फोर,
2x square equal to 6, x square 6 by 2 means 3, और यहां से x मिल गया square root 3 plus और minus में, ये x की वैल्यू हो गई। इसी तरह से क्वेश्चन 8 में एमसीक्यू है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं उसके, तो सॉल्व आपको इसी तरह से करना है, तो उसको देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में डिटरमिनेंट एक्स टू एंड तीन एक्स इक्वल टू डिटरमिनेंट 6 2 18 6। ये हो गए, तो दोनों तरफ पे डिटरमिनेंट इवेल्युएट करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 36, यहां लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा 36, अब माइनस 18 इंटू 2 36, तो यहां मिला आपको एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 एंड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 36, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 6 प्लस माइनस 6। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 4.1 यहां समाप्त होती है। अगली आर्टिकल नेक्स्ट वीडियो में।